बिसमीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाले कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ यहाँ पे मैंने कीमा लिया है ये मटन का कीमा है हाफ़ के जी है इसके अंदर मैंने हरी मिर्च और लहसुन डाल के इसको चॉपर में बारीक पीस लिया एक बड़ी प्याज़ मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया कुछ हरी मिर्चें बारीक कट कर ली हैं धनिया और पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं मैंने बेसन यहाँ पे मैंने लिया चार टेबल स्पून यहाँ मसालों में मैंने वन टीस्पून ज़ीरा हाफ टी स्पून गर्म मसाला नमक आपके टेस्ट के मुताबिक वन टेबल स्पून धनिया पाउडर और वन टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और यहाँ पे लहसुन ले लिया मैंने बारीक चॉप किया हुआ यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं कीमा शामिल कर रही हूँ जिसमें लहसुन और हरी मिर्चें डाल के मैंने बारीक पीस लिया कीमे में एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई मैं शामिल कर रही हूँ इसमें सारे मसाले हमने इसी तरह डालने हैं तीन हरी मिर्चें एक गट्ठी पुदीना और एक गट्ठी धनिया की शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर इससे बहुत ही अच्छा और कबाबों में टेंगी सा मज़ा आएगा यहाँ पे मैंने तकरीबन दस से बारह लहसुन की कलियाँ ली थी जिनको बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है यहाँ पे मैं ज़ीरा गरम मसाला नमक धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ इसके अंदर चार टेबल स्पून बेसन के शामिल कर दिए मैंने कीमे के मिक्सचर में मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं कीमे के अंदर अब कीमे को थोड़ा सा सेट होने के लिए रख दूँगी मैं फ्रिज के अंदर आधे घंटे के लिए आधा घंटा हो गया है फ्रिज में अब मैं कीमे को बाहर निकाल लिया है और इसके कबाब तैयार करेंगे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कीमा ले लिया है इसको हल्के हल्के प्रेस करके मैं हाथ पे छोटे कबाब की शेप दे लूँगी ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं ये देख लें इतने साइज़ का कबाब तैयार करना है हमने इसी तरह मैं सारे कबाब बना के प्लेट में रखती जा रही हूँ फिर हम सारे इकट्ठे ही फ्राई कर लेंगे एक और कबाब बना के मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर जो लहसुन मैंने कटा हुआ शामिल किया उससे एक बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा कबाबों में आपको हल्की हल्की सी लहसन की मिठास महसूस होगी कबाब में जो कि बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देती है इसको तो आप इसको इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे उम्मीद है कि आपको ये कबाबों की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी इसमें ज़्यादा कोई चीज़ें भी नहीं शामिल की हमने तकरीबन सारी चीज़ें घर के अंदर ही होती हैं आपको बाहर से जाके कुछ लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है हर घर में प्याज लहसन धनिया पुदीना हरी मिर्च वग़ैरह होती है आप बस कीमा निकाल लें और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से कबाब तैयार कर लें तो मैं ये कबाब तैयार करके प्लेट में रख रही हूँ इसी तरह मैं सारे कबाब बना लूँगी एक एक करके कबाब मैं प्लेट में रखती जा रही हूँ जब तक कबाब बना रही हूँ यहाँ मैंने एक पैन के अंदर थ्री टेबल स्पून ऑयल के शामिल कर दिए हैं कबाब सारे बन के तैयार हो गए अब इनको फ्राई कर लेते हैं हमने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने कबाब डीप फ्राई नहीं करने शैलो फ्राई करने हैं अब मैं एक एक कबाब उठाती जाऊंगी और इसको पैन में डालती जाऊंगी फ्राई होने के लिए ताकि अच्छे से कबाब हमारे गल जाए और तैयार हो जाए मैं एक एक करके कबाब शामिल कर रही हूँ पाँच मिनट हो गए कबाबों को फ्राई होते हुए अब इनको पलटा के देख लेते हैं कि पक गए हैं जी बहुत ही प्यारा सा कलर गोल्डन आ गया कबाबों के ऊपर तो मैं सारे कबाबों को पलटा देती हूँ ताकि दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाएं और गल जाएं कबाब हमारे क्योंकि ये कच्चे कीमे के कबाब है तो इनको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में बहुत ही मज़ेदार और डिफ़रेंट रेसिपी है आप इसको ज़रूर मेरी रेसिपी के साथ ट्राई कीजिएगा मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत ही इन्जॉय करेंगे मैं इंशाल्लाह और भी बहुत ही आसान और अच्छी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ तो अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी तकरीबन सात से आठ मिनट लगे हमें दोनों साइड से कबाब फ्राई करने में बड़े बेहतरीन से कबाब तैयार हो गए अब मैं इनको किचन पेपर पे निकाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए ये बहुत ही कम ऑयल में बनते हैं इनको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती बस हल्का सा इनको कवर करके पकाएं बेहतरीन कबाब तैयार हो जाएंगे इसके अंदर जो मैंने कटा हुआ लहसुन शामिल किया है उससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है कबाबों में तो आप इन कबाबों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अब मैं बाकी के कबाब शामिल कर दूंगी पैन में और इनको इसी तरह कुक कर लूंगी दूसरा बैच भी तैयार हो गया कबाबों का जो डाइट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही आइडियल रेसिपी है कि वो इसको बग़ैर ऑयल के स्टीम में ही कुक करके पका लें तो बहुत अच्छा होगा कबाब को मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर दिया है ये धनिया पुदीना और एक हरी मिर्च से मैंने चटनी बनाई है ये बहुत ही मज़ेदार चटनी होती है कबाबों के साथ मुझे उम्मीद है कि कच्चे कीमे के कबाब की ये रेसिपी आपको बहुत ही आसान और डिफरेंट लगी होगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाया करें लाइक और शेयर भी किया करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया करें अपना बहुत ख्याल रखें अल्लाह हाफ़िज